नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री को ज़मीन पर उतरना पड़ा। जी हाँ, मुख्यमंत्री अब हर जगह जाके संभागी मुख्यालय में जाकर अधिकारी कर्मचारियों की बैठक लेकर जिम्मेदार लोगों को कोरोना से रोकने के उपाय बता रहे हैं, समझा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अभी तक वो काम चला रहे थे, लेकिन कोरोना की रफ्तार घटने का नाम नहीं ले रही थी। अंततः प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जमीन में उतरे, संभागीय मुख्यालय में जाकर लगातार जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से उन्होंने बात की। उन्होंने कोरोना से रोकने के उपाय के बारे में चर्चा की, जरूरी समझाइश दी, नसीहत दी। जी हाँ, अब देखना है मुख्यमंत्री का यह कदम, जब मुख्यमंत्री स्वयं मैदान में है, क्या रंग लाता है, किस तरीके से अब यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी अपना रवैया प्रकट करते हैं। कोरोना को लेकर अब आगे की रणनीति क्या होगी, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है, मुख्यमंत्री के ज़मीन पर उतरने से कसावट आएगी, प्रशासनिक अमले में कसावट आएगी। माना जा सकता है अब प्रशासन थोड़ा सा और भी सख्त हो सकता है। जो अभी तक छूट मिली थी उस छूट पर भी शायद रोक लगे। हालांकि पिछले, अगर रीवा की बात की जाए तो पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर आंकड़ा 250 के नीचे बना हुआ है। अब देखा जा सकता है क्या होगा, वह तो भविष्य के गर्त में। लेकिन मैं आपको सीधे ले चलता हूँ रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में और बताता हूँ मुख्यमंत्री ने वहाँ पर किस तरीके से अधिकारी कर्मचारियों को नसीहत दी। महासंकट की इस घड़ी में अपने जिंदगी जनता पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो, इस संकट को लेके, इस जीत को लेके और इस तरफ को लेके आज करीब आया हूं। भोपाल से लगातार समीक्षा होती रहती, अंदर आत्मा ने कहा कि नहीं, यहां आके करना चाहिए। और आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सदी में कभी कभी, सदियों में कहें या एक शताब्दी में कहें, कोई अवसर ऐसा आता है जब परिस्थितियां कहें या परमात्मा कहें हमारी परीक्षा देती है। आज हम सब नेतृत्व करने वालों की परीक्षा है, कैसे इस संकट से जनता को हम बचा पाए। राज में आपसे नीचे तक इसलिए जुड़ा हूं कि संकट से बचने का, महामारी रोकने का, संक्रमण को थामने का या संक्रमण को समाप्त करने का एकमात्र उपाय सारी दुनिया में एक, और वह है संक्रमण की चेन को तोड़ दो। दुनिया में जितने भी देश है, अभी आपने सुना होगा इंग्लैंड में 3 महीने तक उन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन रखा, अनुशासन और संयम से पालन किया, तो आज वो संकट से मुक्ति के कगार पर है। और इससे पहला उपाय है संक्रमण की चेन तोड़ देना। उसके हमने स्वयं ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू कोई सरकार का थोपा हुआ नहीं है, ये जनता को बचाने के लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा कर्फ्यू। मुझे मेरी नीचे तक अपील है आपसे, विशेषकर गांव का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, ये भोपाल से नहीं होगा, ये काम तो हमें गांव में करना पड़ेगा, शहर में भी अपने मोहल्ले में करना पड़ेगा। और इसलिए हम स्वयं सजग और जागरूक रहते संक्रमण की चेन तोड़े, मतलब कोरोना कर्फ्यू का अक्षरशः पालन करें जब तक हम इसको लगाए रखने का फैसला करें। समर्पित है, मिलकर फिर हम जुटे, सूत्र वही है, संक्रमण की चेन तोड़ना मतलब कोरोना कर्फ्यू का पालन, और दूसरा जहां छुपा हुआ है कोरोना, मतलब सर्दी जुकाम बुखार खांसी, उसको बाहर निकाल ले, फिर उसकी इलाज की व्यवस्था, और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का इंतजाम। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी इस धरती से रीवा संभाग की संक्रमण को समाप्त करने करके ही चैन की सांस लेंगे,
इसी संकल्प के साथ में आपके बीच में आया था, तो मुझे लगा कि नीचे तक एक बार मेरी चर्चा हो जाए। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।